हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आपको पता है आजकल जो मेरी वीडियो का फोकस है वो प्रियंका हार्डवर्क और पूजा चौहान ऑफिशियल, इन दोनों बहनों पे है। तो आज एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूँगी कि रियलिटी क्या है और नौटंकी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं पूजा की तरफ लेके चलती हूँ। तो पूजा ने क्या कहा है, मेरी सुनो बात। कल मैंने वीडियो बनाई थी दिन में कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मानसा जा रही हूँ मैं दवाई लेने। ठीक है, एक बात बताओ, मम्मी को मैं यहाँ बीमार छोड़ के चली जाऊं? तो आपने बात सुन ली, इन्होंने कहा कि मैं मम्मी को छोड़कर कैसे प्रियंका के पास जाऊं, कैसे अपने घर वापस जाऊं, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। तो देखिए, यहाँ एक गौर फरमाने वाली बात ये है कि चलो ठीक है, हाँ मम्मी की तबीयत खराब होगी, लेकिन जितने भी उनके पिछले व्लॉग देखे जाए तो उन पिछले व्लॉग्स में मम्मी की अगर तबीयत खराब होती थी फिर भी वो हर ब्लॉग्स में दिखाई देती थी। लेकिन अब जो वो वीडियोस बना रही हैं, तो अब मम्मी अचानक से एकदम से ही गायब हो गई हैं, और वहाँ से प्रियंका के वहाँ से मंजीत गायब हो गया है। ठीक है ना, तो कई बार लगता है कि वीडियोस बनाने का ठेका सिर्फ इन दोनों बहनों ने ही ले रखा है, और लड़ाई भी मुझे लगता है इन दोनों बहनों के बीच में है। क्योंकि अब रियलिटी क्या है और यहाँ नौटंकी क्या है ये आप बेहतर जानते होंगे। और गाइस, ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, ये क्या कह रही हैं। का ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है और माँ ने मुझे दुनिया दिखाई है, चलना सिखाया। तो आपने इनकी ये बात सुनी, तो ये कह रही हैं कि प्रियंका ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है और माँ ने मुझे दुनिया दिखाई है और दुनिया चलना सिखाया है। तो जिस मुख से ये प्रियंका की तारीफ करती हैं उसी मुख से ये प्रियंका की बुराई भी कर देती हैं। सुन मेरी बात, प्रियंका को बोल रही हूँ मैं, सुन ले मेरी बात। अगर मेरी पढ़ाई नाश हो गई ना, छोड़ दूंगी मैं पढ़ना लिखना। और इन्होंने अपनी ही वीडियो में ये चीज भी कही है कि ऐसा नहीं है कि हमें प्रियंका की फिक्र नहीं है, पर ये मत बोलो कि हमें अपनी बहन की फिक्र नहीं है। ठीक है ना, इतनी फिक्र किसी को भी नहीं होगी जितनी मुझे है। और मुझे समझ में नहीं आता जिस मुख से ये कह रही है ना कि हम मुझे प्रियंका की फिक्र है, उसी मुख से मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहती हूँ। आपने इसकी वीडियो से देखी हो पूजा की, तो इसने बकायदा, मुझे हैरानी इस बात की होती है, वीडियो प्रॉपर बना रही है, प्रॉपर उस वीडियो को कंटेंट देख लो क्या दे रही है। ठीक है ना, अभी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। मैंने नोट डाउन किए हैं इसके, प्रियंका ने मेरी हर जगह बदनामी की, अब छोड़नी पड़ेगी मुझे पढ़ाई, और इसका जिम्मेदार होगा प्रियंका है, जिसे मैंने वीडियो बनाना सिखाया आज वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है, प्रियंका ने हमें खुद घर से बाहर निकाला। ये देखो, ये टाइटल कंटेंट देखो क्या दे रखा है पूजा ने प्रियंका के लिए। अच्छे कंटेंट भी बनाए हैं भाई, ऐसा नहीं है, ये इसकी पूरी वीडियोस हैं जिसमें इन्होंने प्रियंका के बारे में पिछले 7-8 दिनों में ये वो कर दिया। और क्या कह रही हैं, ये प्रियंका के लिए गलत फैलाने लगे हैं लोग बाहर, गलत गलत अफवाह फैलाने लगे हैं लोग बाहर, प्रियंका प्यार उमड़ गया। पूजा के में मन में प्रियंका के लिए प्यार उमड़ गया, और उन्होंने कहा कि प्रियंका के लिए गलत सलत जो है ना वो फैलाने लगे हैं लोग बाहर। ठीक है ना, और इसी वजह से प्रियंका बीमार है, इतना कुछ मेरी वजह से हुआ, सारी गलती मेरी है। ठीक है, प्रियंका ने ठीक बोला था कि कोई किसी का अपना नहीं होता। पूजा ने एक स्टेटमेंट दी है कि लोग हमारी वीडियो से देख देख के हंस रहे हैं, तो मैं माफ करना पूजा, इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं, आप हंसा रही हैं, आप जग हंसाई करवा रही हैं। ठीक है ना, आप अपने घर का घरेलू झगड़ा अगर सोशल मीडिया पर इस तरह से करेंगे, और आपने एक जगह कहा कि हाँ भाई ऐसी होती है फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक फैमिली या ये यूट्यूब फैमिली ऐसी होती है कि जब अपना घर के अपना नहीं बन पाए तो यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, ये फैमिली नहीं बनती, ये व्यूवर्स बनते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि नेगेटिव कॉमेंट करते हैं, तो नेगेटिव कॉमेंट करने का मौका आप स्वयं दे रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है। वो नेगेटिव कमेंट, या आप ये कहते हो ना कि स्वाद ले रहे हैं, एक वीडियो में आपने ये भी चीज जिक्र की थी कि नेगेटिव कमेंट करके हमारे घर का घरेलू झगड़ा है, हमारी भावनाएं नहीं समझते, उल्टा और ज्यादा स्वाद लेते हैं। ये स्वाद उनकी थाली में परोस कौन रहा है, बात ये है, वो परोसने वाले आप खुद ही हैं, आप खुद वो स्वाद उनको परोस के दे रही हैं, तो वो लेंगे। आपका घर का घरेलू झगड़ा था, कोई एक दिन सुनता है, दो दिन सुनता है, तीसरे दिन तो वो आपको यही कहेगा कि तमाशा बना लिया भाई इन्होंने तो। तीसरी बात, नेगेटिव आप तो एक ही उस पर वो हो गए कि वो उसने नेगेटिव कॉमेंट किया, और आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में कि आप सीधी कई बार ये धमकी भी दे देते हैं कि हाँ भाई अगर अब किसी ने मेरे को नेगेटिव कॉमेंट किया तो मैं किसी की नहीं सुन। आपने ये बात कही अपने ब्लॉग में,
तो क्या एक और बात है, जो आपको आपकी वीडियो को देख रहा है वो अपना नेट खर्च कर रहा है, अपना टाइम उस पर खर्च कर रहा है, वो आपको व्यूज दे रहा है, वो आपको लाइक दे रहा है, इसके बदले में वो एक आपको कमेंट नहीं कर सकता, कर सकता है कमेंट, घटिया कमेंट नहीं कर रहा, आपको समझाने की बात कर रहा है कि हाँ ये नौटंकी बंद करो, हाँ ये ड्रामेबाजी बंद करो, हाँ ये चीज़ बंद करो, वो आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि घर का मामला है, घर के में बैठ के सॉर्ट आउट करो। सोशल मीडिया पर आपने कहा कि हाँ भाई कि आप लोग हमारे इतना मजाक बना रहे हो कि अगर आपके घर में ऐसे झगड़ा होता है तो आप क्या लोगों को तमाशा दिखाते हो, वो लोग चार लोगों को शायद वो तमाशा दिखा देता होगा लेकिन वो सोशल मीडिया पे अपने घर की लड़ाई कभी नहीं डालता। एक और बात, ये सोशल मीडिया पे जो आप ये बहने आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे कोई मानेगा कि आपके अपने घर का झगड़ा है, क्योंकि जब वो आप पहले वीडियो बनाते तो चारों नजर आ जाते थे, आज उसके साथ मंजीत है, प्रियंका के साथ तो मंजीत नजर नहीं आता, आपके साथ आपकी माँ है, वो माँ बीमार, माँ नजर नहीं आती लोगों को आपकी वीडियोज में, खाली आप इधर से वीडियोज बनाती हैं आप डाल देते हैं, उधर से प्रियंका बनाती है प्रियंका डाल देती है, आपस में एक दूसरे को गलत सलत भी बोलते हैं, जिस मुंह से आप प्रियंका की बुराई करते हैं उसी मुंह से प्रियंका की अच्छाई भी कर देते हैं, कौन क्या बात आप सच बोल रहे हैं और क्या बात आप झूठ बोल रहे हैं, इस पे भरोसा आपके व्यूअर्स करेंगे कैसे, आप देख नेगेटिव कमेंट पे तो इतना बोल बैठे, ठीक है ना, तो जरा सोच समझ के बोला कीजिए, आप सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, ठीक है ना, अगर आप इस तरह की कोई भी, आप क्या सोचते हैं कि आपने कहा कि यूट्यूब वालों को बोल दूंगी, पता नहीं कितनी वीडियोस में आपने ये चीज़, यूट्यूब क्या कहेगा, यूट्यूब तो खुद आपको ये जिम्मेदार ठहराएगा, आप अपनी वीडियो के लिए खुद जिम्मेदार होते हो कि आप क्या दे रहे हो व्यूवर्स को, अगर आप इस तरह की चीज़ें परोस कर थाली में दोगे व्यूवर्स देखना वो मजे लेगा, ठीक है ना, वो मजे लेगा, तो आप इसमें वो मत कीजिए, वो भी अपना टाइम और अपना नेट अपना व्यू अपना लाइक आपको दे रहा है तो वो तो फिर वो पूरे वो लेगा, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या देने की कोशिश कर रहे हो, आप बात क्या कह रहे हो, आप गुस्से में आप वीडियोस बना रहे हो, बस बना रहे हो वीडियोस व्यूज के, फिर लोग कहते हैं ना व्यूज के चक्कर में, फिर तो वो यही चीज लगेगी, या बिग बॉस में जाने की OTT जो भी है, मेरे को तो मतलब भी नहीं पता इस चीज का, बिग बॉस में जाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो या किस लिए। एक और बात है, जितने भी व्यूवर्स इस टाइम मेरी वीडियो से देख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन मेरा उनके लिए है प्रश्न, कि अगर मान लो आपके घर में बच्चा होगा बड़ा होगा, अगर एक गलती करता है आप उसे प्यार से सकह देते हो कि हाँ भाई बेटा ऐसा मत कर, दूसरी गलती करेगा फिर आप कहोगे कि बेटा ऐसा मत कर, तीसरी करेगा बेटा मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ मत छेड़ो मत छेड़ो किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, लेकिन अगर चौथी बार वो ना माने तो आपका हाथ उसके ऊपर उठ जाएगा कि तुझे कितनी बार समझा रहा हूँ किसी भी चीज़ को हाथ मत लगा, छेड़ मत, तू छेड़खानी करते ही जा रहा है, तो आपका हाथ उठ जाएगा क्योंकि फिर बर्दाश्त करने से बाहर हो जाता है। आप जिस तरह से दोनों बहनें कंट्रोवर्सी पैदा कर रही हैं, जिस हिसाब से आप लड़ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने परिवार को लेके, और फिर ऊपर से मामा जी भी आपने लपेटे में ले रखा है, ठीक है, तो फिर वही चीज़ है ना कि लोग आपका इस चीज़ को देख के या तो आपको नौटंकी ड्रामेबाज इसी तरह के ही कॉमेंट करेंगे, क्योंकि जो आपको पॉजिटिव कॉमेंट भी कर रहा है ना वो थक जाएगा आपकी इस लड़ाई को देख के, वो फिर यही कहेगा दूसरे तीसरे दिन जाके कि भाई इनका तो ऐसे ही लगा रहेगा, वो आपकी चाहे आप सच भी बोल रहे हो ना उसे झूठी सोचेगा भाई, तो वीडियो से देखने वाला फिर वही होता है जिसको ये होता है कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग तो इसमें ही हो रहा है, इसमें हो गया लड़ाई झगड़ा, जो लड़ाई झगड़ा देखना आपका पसंद कर रहा है, आपकी वीडियो देख भी वही रहा है। और अच्छा मैं क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मैं इस वजह से देख रही हूँ क्योंकि मुझे अपने व्यूवर्स हैं जो आपसे कनेक्ट होंगे तो उनको सही और गलत चीज़ का ब्यौरा करवाना कि हाँ भाई सही चीज़ क्या है गलत क्या है, सोशल मीडिया पर बहुत फेक चीज़ें चलती हैं। अच्छा अब पूजा से हटते हैं, ध्यान हटाओ पूजा से और थोड़ा प्रियंका पे लेके आओ। हाँ एक बात जरूर है, अब ना मैं और पूजा अलग अलग हो जाएंगे, पूजा के साथ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। यहाँ प्रियंका क्या कह रही है, यहाँ प्रियंका कह रही है कि हाँ मैं अब पूजा और मैं अब अलग होंगे, ये बात ध्यान से स्टेटमेंट इनकी ये है कि अब पूजा और मैं अलग होंगे और अलग अलग ही वीडियो बनाया करेंगे, रील्स साथ में बनाती हैं तो वो उसके बिना ये कुछ नहीं और इसके बिना वो कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंबाइंड में रील्स बनाती थी आजकल तो, ठीक है ना। और दूसरी बात वहां वो कह रही है कि मेरी पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी ये है और ऊपर से फिर ये क्या बोल रही है, पढ़ाई भी छोड़ रखी है बीच में ही, उसको ये टेंशन नहीं है कि पढ़ाई भी करनी है ना, वो यहाँ से जाते ना ये सब कुछ होता, उसको उसकी पढ़ाई की चिंता हो रही है। तो ये चीजें जो है ना यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लोगों को, जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं और जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन लोग इनका ब्लॉग्स देखते हैं और किस किस को मेरी बातें सही लग रही हैं, तो लाइक और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भले मत करना, मुझे कोई इस चीज़ की वो परवाह नहीं है, ठीक है। अब आप लोग समझें इस चीज़ के ऊपर मैं तो अपनी कोई राय अपनी तरफ से नहीं देती क्योंकि ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग जो इनका ब्लॉग देखते हैं ना तो उनको ही पता होगा कि रियलिटी क्या है और नौटंकी क्या है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखते हैं अभी ये कितना और
करते हैं कौतूहल, तो इनके हर कौतूहल पे मेरी रहेगी नजर और आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।